सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने सर्दियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद लिया होगा। तो बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 मुहावरे पढ़ा रही हूँ। बच्चों, मुहावरे होते क्या हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता हो मुहावरा कहलाता है, या विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। जो मुहावरे होता है उसके प्रयोग से कैसी बनती है भाषा? प्रभावशाली। जैसे हाथ बटाना, इस मुहावरे का अर्थ हाथ बटना न होकर एक विशिष्ट अर्थ मदद करना होता है। ठीक है बच्चों, हाथ बटाना मुहावरे का अर्थ होता है मदद करना। इसमें वाक्यों में प्रयोग कैसे करोगे इसका? राधा रसोई में अपनी मम्मी का हाथ बटाती है, यानी अपनी मम्मी की मदद जो राधा है वो रसोई में करती है। नीचे कुछ मुहावरे तथा उनका अर्थ दिए गए हैं। अब हमें इनको क्या करना है बच्चों? याद करना है। अंगूठा दिखाना मना करना, आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र, आग बबूला होना होता है क्रोधित होना, आँख फेरना स्वभाव बदल जाना, आँख का तारा बहुत प्यारा, आँख लगना नींद आना, पीठ थपथपाना शाबाशी देना, 9-2-11 होना भाग जाना, आँख दिखाना गुस्सा होना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, काम आना सहायता करना, कान भरना चुगली करना, दांत तले उंगली दबाना हैरान रह जाना, आँखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों धोखा देना, गुलछर्रे उड़ाने का मतलब होता है मस्ती करना मौज करना, रंग में भंग पड़ना विघ्न पड़ना, लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बच्चों बहुत कठिनाई झेलना। लोहे के चने चबाना, आपने देखा होगा जो कच्चे चने होते हैं चबाने कितने मुश्किल होते हैं ना बच्चों, तो वैसे ही लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिनाई बहुत परेशानियाँ झेलना, उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना, नाक में दम करना बहुत परेशान करना। अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना, मतलब हरा देना। मुंह फुलाना का मतलब होता है नाराज होना। कभी कभी आप लोग अपनी मम्मी से नाराज हो जाते हो ना, तो कहते हैं ना आपकी मम्मी ये मुंह क्यों फुलाया हुआ है, तो वही मुंह फुलाना उसका अर्थ होता है नाराज होना। फूला ना समाना बहुत खुश होना, सिर चढ़ाना बिगाड़ना, हवा से बातें करना तेज दौड़ना, पानी होना बहुत शर्मिंदा होना, हाथ मलना पछताना, तरस खाना दया करना, पेट में चूहे कूदना जोर से भूख लगना, मुंह में पानी आना ललचा जाना। बच्चों, जब भी कोई भी टेस्टी चीज़ मम्मी बनाती है ना, आपके मुंह में पानी आता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? मुंह में पानी आना यानी आपको उसको देख के लालच आता है ना, तो उसको कहते हैं ललचा जाना। लाल पीला होना क्रोधित होना, ठीक है, लाल पीला होना का मतलब क्या होता है? बहुत क्रोध में होना गुस्सा होना। तो बच्चों एक बार पुनः दोहराते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ विशिष्ट अर्थ निकले मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है बच्चों, मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी मुहावरा होता है उसका जो अर्थ निकलता है उसका वाक्य में प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हो। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि एक विशिष्ट अर्थ होता है। ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना का अर्थ है अंगूठे को दिखाना न होकर मना कर देना। ऐसे नहीं अंगूठा दिखाना का अर्थ कि कोई आपको अंगूठा दिखाए। अंगूठा दिखाने जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है कि मना कर देना। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। मैं पुनः आपको मेरे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।